मैं कहता हूँ कश्मीर का खस्ताहाल टाउन अगर कोई है तो वो बारामूला है। जो इलेक्शन हुआ हमारा 8 वोट मुझे पड़े और 9 उमर साहब को पड़े और 1 वोट रिजेक्ट हो गया, तो इसमें उमर साहब की जीत हुई। आज मैं उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वो बारामूला की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। और उन तमाम काउंसलरों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे एक बार फिर इन बहुत से छोटे से अरसे 2-2.5 महीने के लिए दोबारा से चुना, और उम्मीद करेंगे कि हम इस बारामूला को कुछ न कुछ इन 2-2.5 महीनों में कुछ देके जाएंगे। बेसिकली जो आज ये म्यूनिसिपल इलेक्शन हुए यहाँ पे, जहाँ पे उमर साहब ने जीता और तौसीफ रैना ने हारा, इसको इतना हाइट दिया गया था जैसे पार्लियामेंट का कोई इलेक्शन। ये बेसिकली नगर पालिका सैनिटेशन के लिए म्यूनिसिपलिटी पर्पज के लिए बनी है। ये कोई इतना बड़ा इलेक्शन नहीं है कि अपने आप को हम कोई हीरो बनाए। जो लोग यहाँ पे रहे, अगर उन्होंने बारामूला के आवाम की खिदमत की होगी, काम किया होगा, तो आने वाले वक्त में उनको बारामूला का आवाम वोट डालेगा। अगर नहीं किया होगा तो उनको रिजेक्ट करेगी। मैं इस मौके पर उमर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और हारने वाले को भी कहता हूं वो भी इनके साथ मिलजुल के बारामूला की तामीर तरक्की के लिए काम करे। और जो बारामूला के बेसिक इश्यूज है रिगार्डिंग गार्बेज है, सैनिटेशन है, बेसिकली यहाँ एज पर द पॉपुलेशन यहाँ 150 और स्वीपर होने चाहिए। अलमिया यह है कि पुणे 5 साल ये कॉरपोरेटर हमारे रहे, लेकिन एक भी एम्प्लॉयमेंट सैनिटेशन पर्पज के लिए स्वीपरों की नहीं हुई। इनको कोशिश करनी चाहिए इन 3 महीनों में कि बारामूला के लिए ये स्वीपरों की जहाँ से जितनी जल्द हो सके अपॉइंटमेंट कराए जाए, चाहे वो कंसोलिडेटेड बेस पे हो या परमानेंट बेस पे हो। लेकिन इस इलेक्शन को इतना सियासी रंग नहीं देना चाहिए कि हम कोई पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं या असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये छोटा मोटा इलेक्शन है नगर पालिका लिए। और बेसिकली जो म्यूनिसिपलिटी बनी है इसका बेसिक जो विजन होता है ओनली फॉर सैनिटेशन पर्पज। फिर इसको गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने यह किया कि बिल्डिंग परमिशन इसमें ऐड कर दिया। उससे यह होगा कि इनकम जनरेट होगी ताकि म्यूनिसिपलिटी आगे चले। जो बाकी बारामूला के इश्यूज है रिगार्डिंग टाउन, मैं कहता हूं कश्मीर का खस्ताहाल टाउन अगर कोई है तो वह बारामूला है। डिजिटल मीटर की बात करें, डिजिटल पावर की बात करें, जहां बारामूला में आए दिन 1 घंटा बिजली रहता है, 4 घंटे चला जाता है। मुझे यह बताया अगर आप 500 रुपया बिजली फीस देते थे, आज 5000 देते हैं तब भी बिजली प्रोवाइड नहीं है। डिजिटल मीटरों का हाल देखें किस तरह इन्होंने, एक मैकेनिज्म होता है कि मैकेनिज्म के तहत बिजली के खंभे लगाए जाते हैं, उन पे तार लगाई जाती है, मीटर लगाए जाते हैं। डिजिटल मीटर है लेकिन डिजिटल पावर नहीं है। गवर्नमेंट को इस तरह कंसिडर करना है। पार्ट होल उसके टेंडर निकले बारामूला में 1-1.5 महीने पहले, अभी तक उनकी क्योंकि लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्योंकि अफसरों ने ऐसी कंडीशन रखी है जो कि ठेकेदार अवेलेबल ही नहीं है कि 3 साल उनको मेंटेनेंस करे। इन्हीं अल्फाज के साथ में एक दफा फिर उमर साहब को मुबारकबाद देता हूँ और तौसीफ साहब को यह कहता हूँ कि आप बारामूला के लिए आगे बढ़े। ये मैंडेट नहीं जरूरी है कि आप म्यूनिसिपलिटी में बैठ के कोई काम करे, इसके बाहर भी आदमी खलक कर सकता है। बाकी वसलाम। अंदर जो इलेक्शन हुआ हमारा 8 वोट मुझे पड़े और 9 उमर साहब को पड़े और 1 वोट रिजेक्ट हो गया, तो इसमें उमर साहब की जीत हुई। आज मैं उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वो बारामूला की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे और हम सब मिल के डेवलपमेंट के काम करेंगे। और इंशाल्लाह ताला जो मैंने किया, मैंने भी कोशिश की कि हम अपना बेस्ट दें। और मैं ये भी मानता हूँ कि हो सकता है हम कहीं पे हमसे कमियाँ हुई हैं, तो वो तो होती है। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं एक यंग हूँ, मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा म्यूनसिपैलिटी में। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने काउंसलरों का जिनने मुझे सपोर्ट किया और जो आज भी मेरे साथ थे। मुझे बोला नहीं आप इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ हैं, और खुशी की बात है। तो अब जिसने जीता उसको मुबारक। तो और हमें अपना काम करना है, चाहे प्रेसिडेंट है नहीं है, चाहे हम कहीं पे रहें, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अपने वार्डों में काम करें, अपने लोगों के साथ चलें, अपने लोगों के लिए काम करें। हार जीत तो पॉलिटिक्स में होती रहती है, तो मेरी यही कोशिश है हम इंशाल्लाह ताला आगे भी आने वाले टाइम में अपने लोगों के लिए काम करें, अपने लोग हमारे सफ़र ना हो। हर एक का अपना राइट होता है, वो किसको चुने किसको नहीं चुने अपना उसका फ़र्ज़ होता है। वो जिस पार्टी, कभी कभार क्या होता है सीक्रेट बैलेट में कोई नहीं पता कौन किसको क्या कौन वोट डालता है, ठीक है ना। तो इसमें इंशाल्लाह ताला ऐसी बात नहीं है, जिसने जिसको वोट डाला उसको मुबारक हो। और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो टाइम हमारे पास शॉर्ट पीरियड है, यहाँ पे भी हम और डेवलपमेंट करें और भी काम करें। मैंने पहले भी बोला है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हम आर्य जो ग्रुप है हम मिलजुल के 21 वार्डों में इलेक्शन लड़ेंगे। और मैं चाहूँगा जो एनर्जेटिक नौजवान हैं, पढ़े लिखे हो, वो आगे आएँ
वो कोशिश करें इस इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की, ताकि लोग सफ़र ना हो। लास्ट टाइम भी इलेक्शंस हुए, बहुत सारे लोगों ने ना वोट डाले ना पार्टिसिपेशन किया, और लोगों को पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। एक तो होता है कि नौजवान इलेक्शन लड़ता है, दूसरा होना चाहिए फिर वोट भी जाने चाहिए ना, जो ईमानदार लोग हो, जो सिंसियर हो, जो काम करना चाहते, उसमें लोगों का भी फर्ज बनता है कि वो वोट डालें और अपने नुमाइंदे को चुनें। मेरी यही मैसेज है लोगों के लिए कि आने वाले जो इलेक्शन है उनमें लोगों को वोट दें, जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसको जिताएं, ताकि वो आपके काम आ सके। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, अब जैसा आप जानते हैं कि या आज जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने थे, चूँकि आपको मालूम है कि ये एज पर म्यूनसिपल एक्ट के हिसाब से जो सारी कार्रवाई वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से लेकर आज के इलेक्शन तक हुई, मैं उन तमाम काउंसलरों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने आज पहले इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, और उसमें हमारे एक कैंडिडेट जो आशिक हुसैन गनाई थे वो एब्सेंट रहे, लेकिन एक चीज़ है, मेरी एक मोतमाना ये गुजारिश है कि कुछ दिन पहले उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उसने कुछ नाराज़गी का इजहार किया। बिल्कुल वो शाना बशाना हमारे साथ थे, और आगे भी आप देखेंगे, पहले इस चीज़ को मैं वाजिया कर रहा हूँ। उसके साथ साथ जो आज मैंने वोट हासिल किए, देखिए ये सीक्रेट बैलेट का वोट था, कौन किसके साथ था, अब इन चीज़ों को न ज़्यादा लेते हुए, लेकिन मैं सब चीज़ें जो है मेरे साथ जो लोग थे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये सपोर्ट दिया, और आज के दिन में हम पहली जो जीत है ये हम उस इंसान को देते हैं जिसके साथ हम मुंसलिक हैं। उसके साथ साथ हमारे जो कॉरपोरेटर्स हैं डिफरेंट पार्टी से लड़े हैं, उन पार्टियों को भी मुबारकबाद है जिन्होंने आज इस फैसले के लिए उनको रुजू किया कि आप किस कैंडिडेट के हक में वोट दें। और अगर कोई भी चीज़ उसमें कुछ कमी पीशी रही होगी, हम मिल बैठ के जो भी पूरी काउंसिल है उसमें हम सोच समझ के हर एक काउंसलर को ऑन बोर्ड लेके, कोई अपोजिशन, कोई दड़बंदी, कोई चीज़ नहीं है। हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, पिछले दिनों भी आपने देखा होगा मैंने आपसे 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार किया कि हम कोई कुछ ना कुछ हम इस बारामूला के लिए करना चाहते हैं, और कुछ किया भी है, और उन सब चीज़ों को मिला के मैं आज उन तमाम काउंसलरों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे एक बार फिर इन बहुत से छोटे से अरसे 2-2.5 महीने के लिए दोबारा से चुना, और उम्मीद करेंगे कि हम इस बारामूला को कुछ ना कुछ इन 2-2.5 महीनों में कुछ दे के जाए। शुक्रिया।